इस बार बजट में किसको क्या मिलेगा, पीएम मोदी और वित्त मंत्री की बैठक के बाद फाइनल लिस्ट तैयार। सो ईच लेटर एक्चुअली हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बजट एंड वी कैन एलैबोरेट मोर ऑन दैट अ बिट लेटर, बट एम्प्लॉयमेंट कैप्चर्स एवरीथिंग टू डू विद दिस बजट एंड आई वुड लाइक यू टू फॉर अ मोमेंट स्पेंड अ टाइम ऑन इट। मोदी सरकार 3 का पहला पूर्ण बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। अनुमान है कि आगामी बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कुछ उपाय शामिल हो सकते हैं। सरकार आने वाले बजट में आर्थिक सुधारों में तेजी लाने और विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का उद्देश्य निकट भविष्य में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, जिसके लिए देश के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए वार्षिक बजट में रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बजट पेश करने से पहले ऐसी एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा करने में करीब 1 महीना लग जाता है। इसके लिए सबसे पहले वित्त मंत्रालय एक सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए साल के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए कहता है। उन्हें नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिछले साल के खर्च और आमदनी का ब्यौरा भी देना होता है। एस्टिमेट मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। इस पर संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों की गहन चर्चा होती है। इसके बाद आंकड़ों को सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का आवंटन करता है। राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालात को गहराई से समझने के लिए किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करता है। प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। इनमें राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्री बजट मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सभी मांगों का अंतिम फैसला लेते हैं। बजट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं। बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है। एक बड़ी सी कढ़ाई में तैयार किए जाने वाला हलवा वित्त मंत्रालय के स्टाफ में बांटा जाता है। इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया में लगे अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं। इस वित्त वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई थी और संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी। वित्त मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते हैं। 2016 तक ये फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। 2017 से ये हर साल 1 फरवरी को पेश होने लगा। वहीं भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी। इसके चलते 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। क्या इस बार सरकार टैक्स छूट में राहत दे सकती है? मोदी सरकार 3.0 के इस बजट से लोगों को क्या बड़ी है?
इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन